नमस्कार। दिन भर की ताजा खबरें लेकर हम हाजिर हैं सिटी बुलेटिन में। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। शासन द्वारा अभी शिक्षकों के तबादले जरूर किए गए, लेकिन छतरपुर जिले में ये तबादले सवालों के घेरे में आकर उलझ गए हैं। इसके अलावा एक कोचिंग के शिक्षक द्वारा एक युवती को भगा ले जाने का मामला सामने आया है। देवास पुलिस उनको गिरफ्तार करके छतरपुर से ले गई है। और भी खबरें हैं, सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। शिक्षकों के ट्रांसफर में छतरपुर जिले में देखी गई कई विसंगतियां, कई स्कूल हुए शिक्षक विहीन। देवास से युवती का अपहरण करके लाए युवक को सिटी कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार, बाद में देवास पुलिस के किया सुपुर्द। फरवरी 2016 से अब तक 1100 मरीजों का हो चुका है डायलिसिस। संभाग में सबसे बेहतर काम कर रही छतरपुर जिले की डायलिसिस मशीन। और एक बार फिर से डिवाइडर से हुआ लोगों को धोखा। मंगलवार की रात एक चारपहिया वाहन तो बुधवार की सुबह एक ट्रक डिवाइडर पर चढ़ा। हेडलाइंस की बात करते हैं, खबरों का विस्तार। सबसे पहले आपको दिखा दें बड़ी खबर। दरअसल शासन के निर्देश के बाद शिक्षकों के ट्रांसफर हुए थे, लेकिन छतरपुर जिले में इसमें एक बड़ी धांधली निकलकर सामने आ रही है। दरअसल कुछ ऐसे जगह से भी शिक्षकों के ट्रांसफर कर दिए गए जहां पर अब स्कूलों में कोई भी शिक्षक नहीं है। यानी कि एक शिक्षक के भरोसे जो शाला चल रही थी उसमें से भी शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया गया है, यानी कि अब वो स्कूल शिक्षक विहीन हो गया है। ऐसे कई स्कूल सामने नजर आ रहे हैं। इसके अलावा तमाम विसंगतियां भी इस मामले में नजर आई हैं, जिनमें कि शिक्षकों का ट्रांसफर जिस जगह से नहीं होना था, कई जगह 200 से भी ज़्यादा बच्चे हैं लेकिन वहाँ पर मात्र 3-4 शिक्षकों के होने के बावजूद वहाँ से शिक्षकों के ट्रांसफर कर दिए गए। इस मामले में कलेक्टर रमेश भंडारी से जब बात की गई तो उनका कहना था कि पूरी प्रक्रिया शासन के निर्देशानुसार की गई है, अगर इसमें कुछ गड़बड़ी की संभावना है तो वे तत्काल इसकी जांच कराकर इसका समाधान निकालेंगे। क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में किसी का स्थानांतरण नहीं हुआ है, हमने नीति का पालन किया है, लेकिन यदि कोई ऐसी चीज होगी एक बार पूरे जितने ट्रांसफर के प्रस्ताव थे उनको देखने के लिए निर्देशित किया है। यदि कुछ हुआ गलत तो उसको निरस्त भी करेंगे और साथ में जिम्मेदारी निर्धारित कर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं उसको देखता हूँ क्या करता है। यहाँ पर श्री जियालाल प्रजापति जी पदस्थ थे तो उनका स्वैच्छिक स्थानांतरण शासकीय हाई स्कूल गढ़ी मलेरा में हो गया है, तो प्राचार्य जी ने मेरे नाम वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दिया था कि आप शासकीय प्राथमिक शाला कुसुमा से वहाँ का चार्ज ले लें, तो उनके आदेश अनुसार मैंने यहाँ से चार्ज ग्रहण किया। 39 छतरपुर में एक कोचिंग में पढ़ाने वाले एक शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सिटी कोतवाली पुलिस को इस बात की जानकारी मिली थी कि ये एक युवक देवास से एक लड़की का अपहरण करके यहाँ पर लाया है। दरअसल इमरान खान नाम के इस युवक को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद देवास पुलिस को सूचना दी गई। देवास थाने में एक युवती के अपहृत होने की रिपोर्ट लिखाई गई थी और उसके बाद देवास पुलिस छतरपुर पहुंची, जहां पर उस युवती के माता पिता भी साथ में थे। देवास पुलिस दोनों को देवास ले गई है और वहां पर पूछताछ करेगी। ये देवास जिले से लड़की श्री शर्मा है और ये 3-4 दिन से गायब थी। वहाँ पे वहाँ गुम इंसान 60/17 का पंजीबद्ध है। असल यहाँ पता चला कि गुरुद्वारा के कोटिल अकेडमी में ये लड़का इमरान है, ये भी इसी देवा जिले का है। तो इसके साथ में से ये दोनों आज थाने उपस्थित हुए,
था, वहाँ की पुलिस कन्फर्म किया गया, पुलिस आके इनको ले गई है। एक और कौटिल अकेडमी में लेक्चरर के पद पे, वैसे बी एम टेक बता रहा अपने आप को, पर वो लड़की भी लॉ में पढ़ रही है। देवास पुलिस आई, बरामदगी पंचनामा गया, लड़की को बरामद की है, उसके माँ बाप उसके साथ में आए, उसके चाचा चाची है, वो लोग उसके देवास ले गए। छतरपुर के जिला अस्पताल में फरवरी 2016 में डायलिसिस मशीन का शुभारंभ किया गया था और तब से लेकर रिकॉर्ड स्तर पर ये मशीन काम कर रही है। तब से लेकर अभी तक के अगर रिकॉर्ड पर नजर डालें तो लगभग 1100 बार इस मशीन द्वारा डायलिसिस किया गया है। एक दिन में 4 मरीजों का डायलिसिस यहां पर किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक संभाग लेवल पर सबसे बेहतर काम छतरपुर जिले में ही किया जा रहा है। मैं बिजावर से आती हूँ। यहाँ जब से सरकारी हॉस्पिटल में डायलिसिस की सुविधा हुई है, जब से हम लोगों को बहुत ही मतलब हो गया है, रिलैक्स हो गया है, क्योंकि यहाँ पैसे का खर्च कम हो रहा है, मतलब बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, और इंजेक्शन वगैरह सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर मिल रही हैं। और प्राइवेट में जब जाते थे तो हम लोगों को बहुत खर्च आता था और हम लोगों की स्थिति ऐसी नहीं रहती थी कि वहाँ करा सके, और यहाँ पर समय पर सभी को डायलिसिस सामान मिलता है। मम्मी को 2 साल से किडनी प्रॉब्लम है, उनका लखनऊ में इलाज चल रहा है, फिर अभी डायलिसिस के लिए डॉक्टर ने एडवाइस किया था, अभी यहाँ पे सरकारी अस्पताल में डायलिसिस चल रही है, 2 साल हो गए हैं। सुविधाएँ अच्छी मिल रही हैं सारी, और यहाँ के स्टाफ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है, जो सारे जो इमरजेंसी केस होते हैं वो भी हैंडल हो जाते हैं सही टाइम पर, ऐसे कोई मरीज़ को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो पाती है पहले ही उसके इलाज में। डायलिसिस यूनिट का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है और उससे हमारे बहुत सारे मरीज़ लाभान्वित हो चुके हैं। अप्रैल 2017 से लेकर के अभी तक जो है हम 182 मरीजों को लाभान्वित कर चुके हैं, और हमारे यहाँ जो है इसका जो क्वालिटी है क्वालिटी है बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ सर्जिकल स्पेशलिस्ट हम खुद अपना डायलिसिस यहाँ पर करवाते हैं। एक बार फिर से डिवाइडर लगातार खतरनाक साबित होता जा रहा है। डिवाइडर पर मंगलवार की शाम भाजपा कार्यालय के सामने जहां एक चार पहिया वाहन चढ़कर क्षतिग्रस्त हो गया, तो वहीं सुबह यानी बुधवार को सर्किट हाउस तिराहे पर एक ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया। सिटी कोतवाली पुलिस ने टीपू उर्फ करिया नाम के एक अपराधी को गिरफ्तार किया है, उसके पास से कट्टा भी बरामद किया है। इसके पहले भी टीपू पर कई सारे अपराध दर्ज हैं। कोतवाली पुलिस ने टीपू को जामा मस्जिद के पास से गिरफ्तार किया। दरअसल पिछले दिनों अमन द्विवेदी के घर पर टीपू उर्फ करिया ने हवाई फायर करके दहशत फैलाई थी और इसके अलावा अन्य मामले भी उस पर चल रहे हैं। टीपू करिया बहुत पुराना अपराधी है और शातिर बदमाश है। इसको आज पकड़ा गया है जामा मस्जिद के पास से चंदी मोहल्ला में। ये कट्टा अब लिए हुए एक कट्टा कारतूस मिला इससे, और इससे पूर्व में भी ये अवस्थी के यहाँ पे अमन द्विवेदी के मकान पे फायरिंग करी थी, जिसमें से उसको ये 2 कारतूस के कोटे बरामद हुए पहले, और इसे मारपीट के भी कई मुकदमे सामाजिक न्याय विभाग द्वारा सत्र 2017-18 में अभी तक की दिनांक में लगभग 284 विवाह कराए गए थे, लेकिन 284 विवाह कराए जाने के बाद अभी तक इतना समय गुजर जाने के बाद भी हितग्राहियों के खाते में पैसा नहीं पहुंचा है। 2016-17 में ये पूरा आंकड़ा 866 का था। अधिकारी विजय कुमार तिर्की ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी पेमेंट नहीं पहुंचा है, जैसे ही शासन से पेमेंट होगा उन तक पहुंचा दिया जाएगा। रिगार्डिंग 2016-17 में दीवार में कुल 886 जोड़ों की हुई है, और उन जोड़ों की जितने भी राशि हैं वो जनता प्रोग्राम पंचायत स्तर पर जारी कर दी गई है। 17-18 में अभी 289 जोड़ी है उनका विवाह संपन्न हो गया है, इसका राशि जारी करने की प्रक्रिया भी चल रही है, जल्दी जारी कर दी जाएगी। अब ये जनता तक ग्राम पंचायत स्तर पर क्यों लटकी हुई है इसकी जानकारी अभी यहाँ किसी ने दिया नहीं है, उसके लिए अभी आज ही सबको जारी कर रहे हैं। महिलाओं के लिए आजीविका मिशन द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, जिसमें महिलाओं द्वारा 10-12 के समूह में एक ग्रुप समूह गठित करने के बाद वे लगातार 3 महीने तक काम करने के बाद नगर पालिका के द्वारा लगभग 10,000 रुपये की सहायता राशि ले सकती हैं। इसके बाद साल भर तक उन्हें समूह चलाए जाने के बाद नगर पालिका की अनुशंसा पर बैंकों से लोन भी दिलाया जा सकता है, जो कि 1,00,000 रुपये तक भी
हो सकता है, जिससे वे अपना छोटा मोटा काम धंधा शुरू कर सकती हैं और धीरे धीरे करके बैंकों में पैसे पहुंचा सकती हैं। इस योजना में अलग अलग घटकों पर काम होता है, जिसमें मुख्य रूप से SMID घटक है, उसमें स्व सहायता समूह का गठन, संचालन जिसे हम लोग स्व सहायता समूह गठन करते हैं, उनको रिवॉल्विंग फंड एवं बैंक से लोन करा के और उनको प्रशिक्षण दे के उनको आर्थिक गतिविधि से जोड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा फिर उन समूहों को हम क्लस्टर में संगठित करके एरिया लेवल फेडरेशन और सिटी लेवल फेडरेशन बनाने का भी हमारा प्लान है। इसके अतिरिक्त हम व्यक्तिगत लोन भी देते हैं जो हमारे स्वरोजगार घटक के अंतर्गत आता है, जिसमें मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में 50,000 रुपये तक का लोन है और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 2,00,000 रुपये तक का लोन है। पिछले वर्ष की भांति इस बार भी कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि बिहार, गुजरात और उत्तर भारत के क्षेत्रों में कांवड़िए भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर अच्छी बरसात करते हैं। इसी बात को लेकर एक बार फिर से कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी, जो कि जटाशंकर धाम पहुंचकर संपन्न होगी। छतरपुर में पिछले वर्ष हम लोगों ने कांवड़ यात्रा का शुभारंभ किया है, जो छतरपुर से जाके हम लोग 2 दिन में जटाशंकर में उसका समापन करते हैं। ये हम देखते थे कि जो मालवा है, गुजरात का इलाका है, दिल्ली के आसपास है, वहाँ पर कांवड़ यात्रा का आयोजन होता था। हमारे बुंदेलखंड में इसका प्रचलन कम था। हमारी ये सोच है कि निश्चित रूप से सावन के महीने में अगर शिव की पूजा की जाए तो सब शिव जी सबसे ज़्यादा कांवड़ से गंगा जल ले जाके और स्नान कराने वालों को सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं, ऐसी मान्यता है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शिक्षकों के ट्रांसफर में छतरपुर जिले में देखी गई कई विसंगतियां, कई स्कूल हुए शिक्षक विहीन। देवास से युवती का अपहरण करके लाए युवक को सिटी कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार, बाद में देवास पुलिस के किया सुपुर्द। फरवरी 2016 से अब तक 1100 मरीजों का हो चुका है डायलिसिस। संभाग में सबसे बेहतर काम कर रही छतरपुर जिले की डायलिसिस मशीन। और एक बार फिर से डिवाइडर से हुआ लोगों को धोखा। मंगलवार की रात एक चार पहिया वाहन तो बुधवार की सुबह एक ट्रक डिवाइडर पर चढ़ा।